आज हम लोग रिवीजन से स्टार्ट कर रहे हैं। पिछला सिलेबस हमारा सारा हो चुका है। राइटिंग स्किल्स बहुत अच्छे से हमने कर ली है। हर चैप्टर थॉरो पढ़ेंगे, थॉरो रीडिंग्स करेंगे, थॉरो रिवाइज करेंगे। जहां कोई प्रॉब्लम आए, आस्क देयर एंड देन। अपनी शंका, अपनी प्रॉब्लम्स अपने साथ मत रखा करो, पूछ लिया। ठीक है, आज हम स्पर्श बुक में जो पाठ लिया हुआ है तुम कब जाओगे उसी के साथ शुरू कर रहे हैं। तुम कब जाओगे अतिथि। ओके, इसके लेखक हैं शरद जोशी। लेखक कवि का नाम जरूर पता होना चाहिए कि हम जो पाठ पढ़ रहे हैं किसका लिखा हुआ। क्लियर? कोई मुझे बताएगा क्या पढ़ा था हमने इस पाठ में? किसी को याद हो रेज योर हैंड्स। हाँ जी अपरन। यस मैम। मैम इसमें हमने पढ़ा था कि कैसे अतिथि को लेखक के घर आए 4 दिन हो गए हैं, पर अभी भी अतिथि जाने का नाम ही नहीं ले रहा। लेखक जब वह आया था तो लेखक का बटुआ कांप उठा था। मैं डर गया था कि अब उसका बटुआ हल्का हो जाएगा, मेहमान नवाजी में उसका अधिक खर्च होगा जिससे उसका बटुआ हल्का हो जाएगा। परंतु फिर भी उसने अतिथि की मेहमान नवाजी में कोई भी कमी नहीं छोड़ी। उसने स्नेह भरी मुस्कुराहट के साथ उसे गले लगाया, उसकी पत्नी ने सादर नमस्कार किया। परंतु अब अतिथि लेखक की मेहमान नवाजी का फायदा उठाने लगा था। वह मेजबान की पीड़ा का कारण बन गया था, जिस कारण अब लेखक को अतिथि अच्छा नहीं लग रहा था। इसलिए अब उसकी ऊष्मा की सत्कार की ऊष्मा भी समाप्त होने लगी थी। अब वह अतिथि को तरह तरह के संदेश देने लगा था कि वह चाहता था वह उसके घर से चला जाए। उसे लगा था कि अतिथि अगले दिन चला जाएगा, परंतु अगले दिन जब अतिथि ने कहा कि वह अपने कपड़े धोबी से धुलवाना चाहता है, तो ये आघात लेखक के लिए अप्रत्याशित था। वेरी गुड अपन, वेरी गुड, क्लैप फॉर यू। बहुत अच्छे वर्ड्स भी आपने यूज किए और बहुत अच्छे से आपने बताया। गुड। इस तरह से एक अतिथि जब लेखक के घर आता है और उसके आने पर लेखक उसका स्वागत करता है, उसे बहुत अच्छा डिनर करवाया जाता है, लंच करवाया जाता है, लेकिन अतिथि जाने का नाम नहीं ले रहा। जब अतिथि जाने का नाम नहीं ले रहा तो लेखक के मन में किस तरह की भावनाएं आती है, अतिथि के प्रति उसका व्यवहार किस तरह से बदलने लगता है, यही सब बातें इस पाठ में बताई है। इन्हें हम पढ़ने जा रहे हैं। ओके, स्पर्श बुक पेज नंबर 36, शरद जोशी जी का लिखा हुआ पाठ, तुम कब जाओगे अतिथि। इसमें मेजबान की पीड़ा को दिखाया है कि किस प्रकार से अतिथि जब एक दो दिन ना रुककर कई दिनों तक रुका रहता है तो मेजबान पर क्या प्रभाव पड़ता है। आज तुम्हारे आगमन के चतुर्थ दिवस पर यह प्रश्न बार बार मन में घूम रहा है, तुम कब जाओगे अतिथि। आगमन मतलब आना, तुम्हें आए हुए चतुर्थ दिवस, चतुर्थ दिवस, आज चौथा दिन है जब तुम आए और मेरे मन में यही प्रश्न आ रहा है, तुम कब जाओगे अतिथि। तुम जहां बैठे निसंकोच, निसंकोच मतलब बिना किसी संकोच के, निसंकोच सिगरेट का धुआं फेंक रहे हो, उसके ठीक सामने एक कैलेंडर है, देख रहे हो ना। इसकी तारीखें अपनी सीमा में नम्रता से फड़फड़ाती रहती है, मतलब दिन निकल रहे हैं नम्रता से।
दिन निकलते जा रहे हैं, तारीखें निकलती जा रही हैं। विगत विगत मतलब पिछले 2 दिनों से मैं तुम्हें दिखाकर तारीखें बदल रहा हूं। देखो आज ये तारीख हो गई, आज ये दिन चढ़ गया। तुम जानते हो अगर तुम्हें हिसाब लगाना आता है कि ये चौथा दिन है, तुम्हारे सतत आतिथ्य का चौथा भारी दिन। सतत मतलब लगातार, आतिथ्य मेजबानी, तुम्हारी मेजबानी करते हुए मुझे 4 दिन हो गया, चौथा दिन है, भारी चौथा दिन, बहुत ही मुश्किल, मुझे बहुत मुश्किल लग रहा है अब तुम्हारा आतिथ्य करना। पर तुम्हारे जाने की कोई संभावना प्रतीत नहीं होती। लाखों मील लंबी यात्रा करने के बाद वे दोनों एस्ट्रोनॉट्स भी इतने समय तक चांद पर नहीं हुए थे जितने समय तुम एक छोटी सी यात्रा करके मेरे घर आए। तुम एक छोटी सी यात्रा करके मेरे घर आए हो और आज चौथा दिन है, तुम जाने का नाम नहीं ले रहे। दो एस्ट्रोनॉट्स जब अंतरिक्ष में गए थे, चांद पर गए थे, तो उन्होंने कितने मीलों की कितनी लंबी यात्रा तय की थी। इतने दिन तो, इतना समय तो वहां पर रुके नहीं, कुछ मिनट रुके थे और वापस आ गए थे। तुम अपने भारी चरण कमलों की छाप मेरी जमीन पर अंकित कर चुके। जब दो एस्ट्रोनॉट्स गए थे तो उन्होंने अपने पैरों की छाप वहां पर ली थी, चांद पर, पता है आपको, है ना। तो वो कहता है तुम अपने चरण कमलों की छाप मेरी जमीन पर दे चुके हो। तुमने एक अंतरंग निजी संबंध मुझसे स्थापित कर लिया। अंतरंग मतलब बहुत ही क्लोज पर्सनल रिलेशनशिप। जब आप किसी के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं तो आपका उसके साथ एक अलग रिश्ता बन जाता है, है ना। आप अपनी बड़ी सारी बातें शेयर करते हो। सपोज आप किसी फंक्शन में गए हो, उस फंक्शन में आपने किसी के साथ 2-3 घंटे बिताए, है ना, तो आप उसके साथ बड़े कंफर्टेबल हो जाते हो और बहुत सारी बातें करते हो, स्कूल की, फ्रेंड्स की, रिलेटिव की, घर की, बहुत सारी बातें करते हो। तो कहते हैं तुम मेरे साथ एक अंतरंग निजी संबंध स्थापित कर चुके हो, बना चुके हो। तुमने मेरी आर्थिक सीमाओं की बैंजनी चट्टान देख ली। तुम्हें पता लग गया है कि मेरी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है। तुम मेरी काफी मिट्टी खोद चुके, तुम्हें मेरे बारे में बहुत कुछ पता चल चुका है। तुम्हें पता है कि मेरी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है, मेरा घर कैसा है, मेरा रहना सहना कैसा है, बहुत कुछ तुम्हें पता चल चुका। अब तुम लौट जाओ अतिथि, तुम्हारे जाने के लिए एक उच्च समय अर्थात हाई टाइम है। क्या तुम्हें तुम्हारी पृथ्वी नहीं पुकारती? जैसे वो दो एस्ट्रोनॉट्स चांद पर गए थे, वैसे तुम यहाँ पर आए हो तो वो पृथ्वी पर वापस लौट आए थे। क्या तुम्हारी पृथ्वी तुम्हें पुकार नहीं रही है? क्या तुम्हारे घर के लोग तुम्हें याद नहीं करते होंगे? आज चौथा दिन है तुम्हें तेरे यहाँ पर रुके हुए, तो तुम कब जाओगे? उस दिन जब तुम आए थे मेरा हृदय किसी अज्ञात आशंका से धड़क रहा था। कोई ऐसा डर था, कोई ऐसी शंका थी जिसके कारण मेरा दिल धड़क उठा था। अंदर ही अंदर कहीं मेरा बटुआ कांप गया था। अतिथि आ गया है, मेजबान आ गया है, अब खर्चा करना पड़ेगा। मेरा बटुआ अंदर ही अंदर कांप गया था कि मुझे जरूरत से ज्यादा अब खर्च करना पड़ेगा और मेरा सारा बजट बिगड़ जाएगा। उसके बावजूद मैं घबरा गया था, मेरा बटुआ कांप गया था, उसके बावजूद एक स्नेह भीगी मुस्कुराहट, प्यार भरी मुस्कान के साथ मैं तुमसे गले मिला था और मेरी पत्नी ने तुम्हें सादर नमस्ते की थी। तुम्हारे सम्मान में ओ अतिथि, हमने रात के भोजन को एकाएक उच्च मध्यम वर्ग के डिनर में बदल दिया था। हम अपने घर में दाल फुल्का खा लेते हैं, ठीक है, दोपहर की सब्जी बची होती है उसी से काम चला लेते हैं, लेकिन जब किसी ने हमारे घर आना होता है तो तरह तरह के पकवान बनते हैं। हर घर में ऐसा होता है, एवरीवेयर, ठीक है, इन एवरी फैमिली ऐसा होता है। हम 2-3 सब्जियां बनाते हैं, कुछ बाजार से मंगवा लेते हैं,
कुछ घर पर प्रेपरेशंस करते हैं, पहले स्टार्टर्स चलते हैं, कुछ नमकीन वगैरह चलते हैं, है ना, बाजार से कुछ स्पेशल आइटम्स आती है, उसके बाद घर पर डिनर बनता है, यहाँ बाजार से मंगवाते हैं, फिर कुछ मीठा भी चाहिए तो उसके लिए या घर पर बनाया जाता है या बाहर से कुछ मंगवाया जाता है, कुछ अच्छा किसी को परोसने के लिए। तुम्हें स्मरण होगा कि दो सब्जियों और रायते के अलावा हमने मीठा भी बनाया था। वैसे क्या हम मीठा रोज रोज खाते हैं कि आज कुछ मीठा चाहिए, खाने के बाद मीठा, तो मीठा अगर चाहिए भी हो तो हम क्या करते, गुड़ खा लेते हैं आजकल, है ना, या हल्का फुल्का कुछ भी घर में पड़ा हो तो खा लेते हैं। लेकिन मीठा भी बनाया था, यहाँ पर मीठा भी बनाया था, क्या मतलब है, कोई गाजर का हलवा बना होगा या कुछ खास चीज बनी होगी, है ना। इस सारे उत्साह और लगन के मूल में एक आशा थी। आशा थी कि दूसरे दिन किसी रेल से एक शानदार मेहमान नवाजी की छाप अपने हृदय में लिए तुम चले जाओगे। हमें लगा था कि तुम्हें हमारी आवभगत अच्छी लगेगी, तुम्हें अच्छा लगेगा कि हमने तुम्हें आदर सत्कार दिया, तुम्हें कोई काम है जिसके लिए तुम आए थे और कल सुबह तुम वापिस चले जाओगे। हम तुमसे रुकने के लिए आग्रह करेंगे मगर तुम नहीं मानोगे और एक अच्छे अतिथि की तरह चले जाओगे। पर ऐसा नहीं हुआ। दूसरे दिन भी तुम अपनी अतिथि सुलभ मुस्कान लिए घर में ही बने रहे। हम सोच रहे थे तुम जाने की बात करोगे, पर ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, तुम तो यहीं पर बैठे थे। हमने अपनी पीड़ा पी ली और प्रसन्न बने रहे। स्वागत सत्कार के जिस उच्च बिंदु पर हम तुम्हें ले जा चुके थे, वहां से नीचे उतर हमने फिर दोपहर के भोजन को लंच की गरिमा प्रदान की और रात्रि को तुम्हें सिनेमा दिखाया। हमारे सत्कार का ये आखिरी छोर है जिससे आगे हम किसी के लिए नहीं बढ़े। इसके तुरंत बाद भाव भीनी विदायिका में भीगा हुआ क्षण आ जाना चाहिए था जब तुम विदा होते और हम तुम्हें स्टेशन तक छोड़ने जाते, पर तुमने ऐसा नहीं किया। तीसरे दिन के सुबह तुमने मुझसे कहा, मैं धोबी को कपड़े देना चाहता हूँ। धोबी को कपड़े देना चाहता हूँ, मतलब तुम्हें अभी और रहना है यहाँ पर, तुम कपड़े धुलवाना चाहते हो, अपने प्रेस करवाना चाहते हो। यह आघात अप्रत्याशित था। आघात मतलब हमला, अप्रत्याशित जो सोचा ही नहीं गया था। एक रात तुम आए, अगले दिन तुम रुके, दूसरी रात रुके, तुम सोचा कि तीसरे दिन तुम चले जाओगे, पर तुमने तो तीसरे दिन ये कह दिया कि मुझे कपड़े धुलवाने हैं अपने। ये तो हमने सोचा ही नहीं था कि ऐसा भी होगा। यह आघात अप्रत्याशित था और इसकी चोट मार्मिक थी, बहुत दयनीय थी, बहुत चोट लगी मुझे। तुम्हारे सामिप्य की वेला एकाएक जो रबर की तरह खिंच जाएगी, इसका मुझे अब अनुमान नहीं था। पहले तुम मेरे बड़े क्लोज थे, तुम मेरे घर आए, तुम्हारा आदित्य सत्कार किया, सिनेमा दिखाया, डिनर कराया, लंच कराया। अब तीसरे दिन जब तुमने ये बात कही कि मुझे अपने कपड़े धुलवाने हैं, तो वो जो सामिप्य था वो दूरी बननी शुरू हो गई, रबड़ की तरह खींचना शुरू हो गया। रबड़ होती है ना, हम उसको खींचते हैं, है ना, तो रबड़ की तरह वो खींचना शुरू हो गया। इसका अनुमान मुझे नहीं था। पहली बार मुझे लगा कि अतिथि सदैव देवता नहीं होता। लेखक कहता है कि पहली बार मुझे महसूस हुआ कि हर अतिथि देवता नहीं होता। हमारी भारतीय संस्कृति में अतिथि देवों के समान नहीं होता, देवता के समान होता है। लेकिन वो कहता है मुझे पहली बार ऐसा लगा कि हर अतिथि देवता नहीं होता, वह मानव और थोड़े अंशों में राक्षस भी हो सकता है। मानव होता है, अतिथि नहीं होता, और थोड़ा थोड़ा राक्षस भी हो सकता है। किसी लॉन्ड्री पर दे देते हैं जल्दी धुल जाएंगे, मैंने कहा। मन ही मन एक विश्वास पल रहा था कि तुम्हें जल्दी जाना है, शायद मुझे लगा कि तुम्हें जल्दी जाना होगा तो तुम्हारे कपड़े लॉन्ड्री से धुलवा देता हूँ, जल्दी धुलेंगे, सूख जाएंगे, प्रेस होके तुम लोगे और चले जाओगे। कहाँ है लॉन्ड्री, चलो चलते हैं, मैंने कहा और अपनी सहज बनियान पर औपचारिक कुर्ता डालने लगा।
कहाँ जा रहे हैं? पत्नी ने पूछा। इनके कपड़े लॉन्ड्री पर देने हैं, मैंने कहा। अब पत्नी की क्या दशा हुई? मेरी पत्नी की आंखें एकाएक बड़ी बड़ी हो गई। आज से कुछ बरस पूर्व उनकी ऐसी आंखें मैंने देखकर मैंने अपने अकेलेपन की यात्रा समाप्त कर बिस्तर खोल दिया था। उनकी इन्हीं आंखों पर मैं मोहित हो गया था और उनसे शादी कर ली थी। आज वही आंखें बड़ी बड़ी हो गई थी। पर अब जब वे ही आंखें बड़ी होती हैं तो मन छोटा होने लगता है। अब उसकी बड़ी आंखें देखकर मन घबरा रहा था कि पता नहीं ये क्या कहेंगी। वे इस आशंका और भय से बड़ी हुई थी कि अतिथि अधिक दिनों तक ठहरेगा, और आशंका निर्मूल नहीं थी। निर्मूल मतलब बेवजह नहीं थी वो आशंका, क्योंकि दो दिन से पहले टिके हुए थे, तीसरे दिन कपड़े धुलवाना चाहते हैं। अतिथि तुम नहीं जा रहे हो, लॉन्ड्री पर दिए कपड़े धुल कर आ गए और तुम यही हो। लॉन्ड्री पर कपड़े दिए थे, धुल कर आ गए, अब जाओ कपड़े लो और चले जाओ, लेकिन अभी भी तुम यही हो। तुम्हारे भरकम शरीर से सलवटे पड़े चादर बदली जा चुकी और तुम यही हो। तुम्हें यह समझ जाना चाहिए कि इन्होंने तो चादर भी बदल दी है, अब मुझे चले जाना चाहिए, लेकिन अभी भी तुम यही हो। तुम्हें देखकर फूट पड़ने वाली मुस्कुराहट धीरे धीरे फीकी पड़कर अब लुप्त हो गई। तुम्हें देखकर फूट पड़ने वाली, जो हमारी मुस्कुराहट थी, हम मुस्कुराते थे, अब वो मुस्कुराहट गायब हो गई है। आंखों के रंगीन गुब्बारे जो कल तक इस कमरे के आकाश में उड़ते थे, अब दिखाई नहीं पड़ते। पहले कल तक हम लोग खुश थे, दो दिन तुम यहाँ थे, हम खुश थे, सिनेमा दिखा, घूमने गए और सब खुश थे, जोर से हंस रहे थे, ठहाके लग रहे थे, लेकिन अब वो ठहाके, अब वो हंसी गायब है। बातचीत की उछलती हुई गेंद चर्चा के क्षेत्र के सभी कोनलों से टप्पे खाकर फिर सेंटर में आकर चुप पड़ी है। अब इसे ना तुम ही ला रहे हो ना मैं। पहले हम बातें कर रहे थे, हंसी मजाक हो रहा था, अब हम दोनों चुप हैं। ना तुम्हारे पास कोई बात है करने के लिए, ना मेरे पास है। कल से मैं उपन्यास पढ़ रहा हूं और तुम फिल्मी पत्रिका के पन्ने पलट रहे हो। शब्दों का लेन देन मिट गया और चर्चा के विषय चुक गए। परिवार, बच्चे, नौकरी, फिल्म, राजनीति, रिश्तेदारी, तबादले, पुराने दोस्त, परिवार नियोजन, महंगाई, साहित्य और यहाँ तक कि आंख मार मार कर हमारे पुरानी प्रेमिकाओं का भी जिक्र कर दिया। और अब एक चुप्पी है। हर बात कर ली, पुरानी बातें कर ली, हर विषय पर बात हो गई। हम दोनों का इकट्ठे आपस में आना जाना, खेलना उछलना कूदना, सब सब बातें हो चुकी है। हमारे पास सब करने के लिए कोई बात भी नहीं बची। सौहार्द अब शनई शनई बोरियत में रूपांतरित हो रहा है। सौहार्द मतलब अपनापन, अपनापन जो था, अब धीरे धीरे हम बोर हो रहे हैं। शनई शनई धीरे धीरे बोर हो रहे हैं। भावनाएं गालियों का स्वरूप ग्रहण कर रही हैं, पर तुम जा नहीं रहे। जो तुम्हारे लिए हमारी अच्छी भावनाएं थी, वो गालियों का रूप ले रही है कि पता नहीं क्यों मुझे जा रहा, अभी तक यही पर टिका हुआ है, ये कब जाएगा, सिनेमा दिखा दिया, लंच करा दिया, डिनर करा दिया, कपड़े धुलवा दिए, सब कुछ कर दिया, अभी भी नहीं जा रहा, और अब मन कर रहा है कि गाली निकाली जाए। किस अदृश्य गोंद से तुम्हारा व्यक्तित्व यहाँ चपक चिपक गया है, मैं इस भेद को सपरिवार नहीं समझ पा रहा। बार बार यह प्रश्न उठ रहा है, तुम कब जाओगे अतिथि? कल पत्नी ने धीरे से पूछा था, कब तक टिकेंगे, कब तक रहेंगे? मैंने कंधे उचका दिए, क्या कह सकता हूँ, कुछ नहीं बता, कब तक रहेंगे? मैं तो आज खिचड़ी बना रही हूँ, हल्की रहेगी। उसने कहा, दो तीन दिन हो गए हैं, बहुत हैवी अभी बाहर से खा रहे हैं, मैं आज खिचड़ी बनाऊंगी। आज मैं कुछ भी हैवी बनाने वाला नहीं हूँ, बनाने वाली नहीं हूँ, कुछ हल्का हो जाएगा
पेट भी ठीक रहेगा। बनाओ कहते हैं, मैंने भी कह दिया कि तुम बनाओ। सत्कार की ऊष्मा समाप्त हो रही थी, सत्कार की ऊष्मा जो हम तुम्हारा सत्कार करते हैं उसकी गर्माहट खत्म हो रही थी, वो मन के अंदर जो अच्छी भावनाएं तुम्हारे लिए थी वो खत्म हो रही थी। डिनर से चले थे, खिचड़ी पर आ गए। अब भी अगर तुम अपने बिस्तर को गोलाकार रूप प्रदान नहीं करते हो तो हमें उपवास तक जाना पड़ेगा। हो सकता है ऐसा समय आ जाए कि तुम्हारे लिए कुछ भी ना पकाया जाए और तुम्हें उपवास ही करवाया जाए। डिनर से चले थे, खिचड़ी पर आ गए हैं। हो सकता है कि तुम अपने बिस्तर को गोलाकार रूप नहीं दे रहे हो, यानी कि तुम अपना बिस्तर नहीं बांध रहे हो, तुम अपना सामान नहीं बांध रहे हो, जाने की तैयारी नहीं कर रहे हो, ऐसे में उपवास करना पड़ेगा। तुम्हारे मेरे संबंध एक संक्रमण के दौर से गुजर रहे हैं, जैसे इन्फेक्शन हो जाती है, किसी को इन्फेक्शन होती है जो कंटेजियस होती है तो हम उससे दूर रहते हैं, है ना, संक्रमण फैल जाता है। तो कहते हैं कि जैसे एक संक्रमण होता है, संक्रमण फैलने का डर होता है, वैसे तुम्हारे मेरे रिश्ते हो गए कि अब हम पास नहीं है, दूर हो रहे हैं। तुम्हारे जाने का यह चरम क्षण है, तुम जाओ ना दीदी, बस बहुत हो गया हमारे घर पे रहना, अब तुम चले जाओ, तुम्हें जाना चाहिए, तुम्हें यहाँ अच्छा लग रहा है ना। मैं जानता हूँ किसी दूसरे के घर जाकर अच्छा लगता है, अपने घर में काम करने पड़ते हैं, दूसरे के घर में पका पकाया मिलता है, खाते हैं, अच्छे अच्छे पकवान मिलते हैं, सर्दी में जाओ तो रजाई मिलती है, नहाने के लिए गर्म गर्म पानी मिलता है ना। लेकिन जब अपने घर में है तो सारे काम करने पड़ेंगे। गर्मियों में किसी दूसरे के घर चले जाओ, आराम से एसी में बैठेंगे, अपने घर का बिल बचेगा, ठीक है। तो तुम्हें यहाँ पर रहकर अच्छा लग रहा है, दूसरे के यहाँ हमेशा अच्छा लगता है। अगर बस चलता तो सभी लोग एक दूसरे के यहाँ पर रहते, पर ऐसा हो नहीं सकता। अपने घर की महत्ता के गीत इसी कारण गाए गए हैं। आपको पंजाबी में कहावत पढ़ता है जो कहते हैं जो सुख छज्जू दे चुबारे ओ बलख ना बुखारे, सुना है किसी ने? ओके गुड, सुन रखा है। यानी कि जो सुख अपने घर में मिलता है आप कहीं पर भी चले जाएं वो सुख आपको कहीं नहीं मिलता, है ना। हम किसी पार्टी फंक्शन में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो सबसे पहले घर आकर मुंह धोते हैं, कपड़े बदलते हैं और आराम से बिस्तर में बैठते, चाहे हमें वहां पर सब कुछ पका पकाया मिल रहा है, सब कुछ अच्छा अच्छा मिल रहा है, लेकिन अपने घर में आकर ही हमें सबसे अच्छा लगता है। अपने घर की महत्ता के गीत इसी कारण गाए गए हैं। होम को इसी कारण स्वीट होम कहा गया है कि लोग दूसरे के होम की स्वीटनेस को काटते ना दौड़े। आपको अपना घर स्वीट होम लगना चाहिए कि आप अपने घर पर रहे, अपने घर को अच्छा बनाएं, है ना, अपने घर को स्वीट होम कहें, दूसरे के घर के स्वीटनेस को काटने मत दौड़ो। यानी कि किसी दूसरे के घर में परेशानी खड़ी मत करो, किसी दूसरे के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट मत करो। अगर कोई अतिथि किसी दूसरे के घर पर ज्यादा दिनों तक रहेगा तो उसके परिवार में अंदर ही अंदर समस्याएं आने लगेंगी, आपसे कुछ नहीं कहेगा, क्योंकि सब लोग इतने शिष्ट तो हैं, इतने सभ्य हैं कि आपसे कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन उनके परिवार की जो स्वीटनेस है वो कम होने लगेगी, उनके होम की स्वीटनेस कम होने लगेगी। तुम्हें यहाँ अच्छा लग रहा है, पर सोचो प्रिय कि शराफत भी तो कोई चीज होती है ना, और गेट आउट भी एक वाक्य है जो बोला जा सकता। हम बहुत शरीफ हैं, आज चौथा दिन है, तुम्हें झेल रहे हैं, पर गेट आउट भी एक वाक्य होता है, मुझे वो भूलने पर मजबूर मत करो। अपने खर्राटों से एक और रात गुंजायमान करने के बाद कल जो किरण तुम्हारे बिस्तर पर आएगी वह तुम्हारे यहाँ आगमन के बाद पांचवें सूर्य की परिचित किरण होगी। यानी कि तुम्हें 5 दिन हो जाएंगे यहाँ पर आए हुए, कोई किसी के घर इतनी देर रह सकता है? बहुत मुश्किल है,
किसी के घर बैठ के ले लेना है ना, एक बंधन सा लगने लगता है कि हम तो अपने घर पर तो ये करते हैं वो करते हैं, यहाँ तो बहुत मुश्किल। आशा है वह तुम्हें चूमेगी और तुम घर लौटने का सम्मानपूर्ण निर्णय ले लोगे। मेरी सहनशीलता की वह अंतिम सुबह होगी, कहता है मेरे में बहुत पेशेंस थी, तुम्हें चार दिन से बर्दाश्त कर रहा हूं, अगर तुम पांचवें दिन नहीं गए तो मेरी सहनशीलता खत्म हो जाएगी। मेरी सहनशीलता की वह अंतिम सुबह होगी, अब मैं मेरे में सहनशीलता खत्म हो जाएगी, उसके बाद मैं स्टैंड नहीं कर सकूंगा और लड़खड़ा जाऊंगा, तुम्हें और नहीं झेल सकेगा मेरे अतिथि। मैं जानता हूं कि अतिथि देवता होता है, पर आखिर मैं भी मनुष्य हूं, मैं कोई तुम्हारी तरह देवता नहीं। एक देवता और एक मनुष्य अधिक देर तक साथ नहीं रहते, देवता दर्शन देकर लौट जाया करते हैं, अतिथि देवो भव, जो देवता होते हैं वो दर्शन देकर चले जाते हैं, पर तुम तो टिक गए हो यहां पर। मैं एक मनुष्य हूं, तुम देवता हो, मैं और तुम ज्यादा देर तक इकट्ठे नहीं रह सकते। देवता दर्शन देकर लौट जाता है, तुम लौट जाओ अतिथि, इसी में तुम्हारा देवत्व सुरक्षित रहेगा। अगर तुम अपने रिस्पेक्ट करवाना चाहते हो देवता की भांति अतिथि देवो भव, अगर तुम देवता की तरह अपना देवत्व बनाए रखना चाहते हो, सुरक्षित रहना चाहते हो, तो तुम लौट जाओ। यह मनुष्य अपनी वाली पर उतरे उसके पूर्व तुम लौट जाओ। अपनी वाली पर उतरे मतलब मेरे मन में तुम्हारे प्रति जो विचार आ रहे हैं वो मैं तुम्हें साफ साफ कह दूं और तुम्हारा सम्मान करना छोड़ दूं, तुम्हारा अपमान करूं और तुम्हें कह दूं कि तुम यहाँ से अब जाओ, उससे अच्छा ये है कि तुम खुद चले जाओ। उफ, तुम कब जाओगे अतिथि। ठीक है, पहले भी हम लोग ये चैप्टर पढ़ चुके हैं, जितनी बार पढ़ते हैं उतनी बार मजा आता है, उतनी बार हम इंजॉय करते हैं। पाठ में भाव ये है कि किसी के घर की स्वीटनेस को खत्म नहीं करना चाहिए, हमें मेहमान बनकर जाना चाहिए, और कहते हैं कि अपनी इज्जत अपने हाथों में होती है। आप अगर किसी के घर जाते हैं, किसी फंक्शन में जाते हैं, कोई आपको इनवाइट करता है, या कभी आपको जरूरत पड़ जाए, किसी के घर आपको रात को रहना पड़ जाए या कुछ समय बिताना पड़ जाए, तो एक अच्छे अतिथि की तरह वहां पर रुके और अपना काम होते ही वापस लौट आए, किसी दूसरे पर भार ना बने, किसी दूसरे के घर की स्वीटनेस को खत्म ना करें, अपने होम को स्वीट होम बनाए और दूसरों के होम की स्वीटनेस को काटने को ना दौड़े। राइट, किसी का बटुआ काम जाता है जब आप जाते हैं, उस बात का भी ध्यान रखें। राइट, किसी को इसमें कोई डाउट? नो? ओके, गुड, थैंक यू बेटा।